हेलो बेटों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियोस हमने आपके सामने ला रहे हैं, वो है क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और बाबू, हम लोग आज पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड उसकी थ्योरीज और रिलेटेड उसके एग्जाम्पल्स, उसको हम लोग बेटे क्लियर करेंगे। और एक और जो इसका पार्ट आएगा बाबू, वो होगा इसका न्यूमेरिकल्स, यानी कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स को जानबूझ के सेपरेट इसलिए कर रहे हैं बच्चा, ताकि जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा बच्चा, ठीक है? इसलिए हमने इसको दो सेपरेट फॉर्म में किया है, ताकि आप थ्योरी अलग अलग कर लो और न्यूमेरिकल अलग प्रैक्टिस आप कर लो, कोई भी इश्यूज नहीं होंगे बेटा, ठीक है? तो बाबू, अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने वीडियोस को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक मैंने बोला ही था, नाम है इसका क्या? पॉलिनोमियल्स। दिख रहा हो बच्चा? ठीक है, मिट गया था, इसीलिए मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा क्लियरिटी कर देते हैं। और यहाँ पे जो कुछ टर्म्स होंगे, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है बच्चा कि इसको और बेहतरीन तरीके से लिखा जाए, लेकिन उसमें मैं सक्सेसफुल कुछ हो पाया कुछ नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर भी आपको उसको एक एक टर्म को बोलते हुए चलूँगा, ताकि आप समझ लो कि वो चीज़ लिखी क्या है, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। बाकी आप वीडियोस के संग अगर बने रहेंगे बच्चे, तो आपको कोई भी चीज़ों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा मेरा वादा है बेटा आपके संग, ठीक है? चलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बाबू बात करेंगे हम लोग अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा में होता है ना कि जैसे इसकी स्टार्टिंग क्लास थर्ड फोर्थ से हो जाती है, जैसे कि जैसे ही बच्चे क्लास थर्ड फोर्थ में जाते हैं, वैसे ही उन्हें अलजेब्रा का बेसिक सिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये अलजेब्रा होता क्या है? तो अलजेब्रा होता है ना बच्चा कि जब क्या कहते हैं कि नंबर्स 1, 2, 3 और लेटर्स ए बी सी एक्स वाई, इन दोनों को, माने नंबर्स और लेटर्स दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है बच्चा, मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद जो कुछ रिजल्ट निकलता है उससे, उसी को कहते हैं हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है बच्चा? क्या कहते हैं? अलजेब्रा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 7x+3, तो बच्चा ये अलजेब्रा है, ठीक है? कैसे अलजेब्रा है? तो इसके अंदर नंबर भी है और इसके अंदर लेटर्स भी मौजूद, ठीक है? तो इसलिए इसको कहते हैं बाबू अलजेब्रा। अलजेब्रा को मेनली अगर कैटेगराइज किया जाए, तो इसे दो चीज़ों के संगम से बनाया गया है। संगम माने क्या है कि दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो अलजेब्रा का फॉर्मेशन होता है। वो दो चीज़ें हैं बाबू, एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल, ठीक है? तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या हैं, इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो नंबर्स या जो वैल्यूज़ जो चेंज नहीं हो सके, कभी चेंज नहीं हो सके, एकदम फिक्स चीज़ें होती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। और जो फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में हम किसकी स्पेसिफिकली चर्चा कर रहे हैं। तो जब कांस्टेंट की बात आते हैं बच्चा, तो हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स जितने भी होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये नंबर कांस्टेंट कैसे होते हैं? तो कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स हो। तो अगर आपके सामने 5 लिखा हुआ दिख जाए, तो क्या 5 कभी ऐसा होगा कि 4 साल बाद अब उसको 5 नहीं उसको 6 कह देंगे, या 50 साल बाद उसको 5 नहीं 500 कह देंगे? नहीं, हम नहीं कह सकते। वैसे ही क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बाबू फिक्स चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हमने 10 कहीं लिख दिया, तो वो 10 ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 200-300 साल बाद उसको हम 1000 कहने लगेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
जो कांस्टेंट होता है वो होता है जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, और फिक्स वाले वैल्यूज कौन होंगे, तो फिक्स वाले वैल्यूज वो होंगे जैसे जितने भी नंबर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू चेंज हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इसका पार्ट वेरिएबल आता है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहे, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि x की वैल्यू कितनी, तो कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मान के चलो x की वैल्यू आ गई 100 आ गई, तो क्या ये बताओ कि कभी भी पूरे मैथमेटिक्स के इतिहास में, पूरे फिजिक्स के इतिहास में अगर कहीं भी x आ जाए तो क्या उसकी वैल्यू आप 100 लिखोगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, हम नहीं लिखेंगे। तो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि x जो है वो वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिसके वजह से x क्या है, वेरिएबल है, और x की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -7 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, -10 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये है वेरिएबल। ओके, तो बच्चों हम लोग जब ये हो गया अलजेब्रा वाला पार्ट क्लियर। अलजेब्रा बहुत ही बेसिक था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अगर दिमाग में ये चीज़ें नहीं चल रही हो, चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप को बेसिक चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो आप समझने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे पॉलीनोमियल्स के ऊपर, जो हमारा चैप्टर्स है। तो इसके ऊपर अगर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे पॉलीनोमियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। पॉलीनोमियल्स क्या है सीन? तो पॉली का मतलब होता है बच्चे, और नोमियल्स दो चीज़ें हैं, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो पॉलीनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स, यानी जब एक से अधिक टर्म आपस में कंबाइन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें इसको, कि सबसे पहले अगर हम बात करें x, तो ये क्या है, ये है एक टर्म, प्लस 7 ये क्या है, दुई टर्म, प्लस y ये क्या है, तीन टर्म। तो बच्चा जो सिंगल सिंगल वैल्यूज होती है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं टर्म। अब टर्म जरूरी नहीं कि सिंगल भी हो, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, टर्म। क्यों? क्योंकि 7 और x दोनों एक साथ हैं, 7 और x अलग अलग नहीं है, 7 और x क्या है, एक साथ हैं, यानी जो भी नंबर जो कि एक साथ में हो उनको हम बोलते हैं टर्म। और जितने भी ऐसे ऐसे वैल्यूज हम लोग अरेंजमेंट करते जाएंगे एक रेगुलर अरेंजमेंट में, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का मतलब जब किसी इक्वेशंस में, या जब किसी एक्सप्रेशन में, जब कहीं हम एक से अधिक टर्म का प्रयोग करें तो बच्चे हम लोग उसको कहते हैं पॉलीनोमियल्स। क्लियर बाबू? पॉलीनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलीनोमियल्स है क्या? तो पॉलीनोमियल्स है जब हम दो या दो से तीन से अधिक टर्म का प्रयोग या यूज या सॉल्यूशंस करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। ओके, पॉलीनोमियल्स के अलावा उसका दूसरा नाम नहीं है, ओनली पॉलीनोमियल्स। आगे बढ़ो बच्चा, चलिए। तो इधर देखते हैं हम लोग, ये हो गया पॉलीनोमियल्स, ये हो गया मेनी, ये हो गया टर्म, और ये हो गया कई सारे टर्म्स, और ये हो गया, ये भी एक तरह का क्या है बच्चा, टर्म है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 7x प्लस 2y भी लिख सकते हो, इसके अंदर दो टर्म हैं, एक है 7x और एक है 2y। मैंने कहा था टर्म हमेशा एक साथ होने चाहिए, बीच में प्लस या माइनस का सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस का सिंबल लग गया तो वो टर्म सेपरेट हो जाएगा, अब उसको दूसरे टर्म के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। तो बच्चा ऐसे करके ये था आपका पॉलीनोमियल्स। अब पॉलीनोमियल्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉलीनोमियल्स को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स में जानते हैं कि पॉलीनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पॉलीनोमियल में टोटल चार टाइप्स आपके सामने मेंशन है, जिसको आपको पढ़ने हैं। मेनी और भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं बच्चा, लेकिन हमें मेनली इस क्लास में
केवल पॉलीनोमियल्स के चार टाइप्स के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें से केवल दो को ही हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। ओके, हमें टाइप्स तो चार जानने हैं, पर उसके अंदर जो हम इस चैप्टर के अंदर डीलिंग करेंगे जिनके संग, वो होंगे बस दो। ओके, चलिए, तो कौन से हैं चार? तो सबसे पहले होता है लीनियर। लीनियर क्या होता है बच्चा? लीनियर होता है 2x प्लस 1। ये बाबू है लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें x का पावर क्या है? 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब ये है बाबू क्वाड्रेटिक। कैसे क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है ना, तो इसी पावर के वजह से लीनियर क्वाड्रेटिक बनते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो जाएगा? 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये हमारा बच्चे है क्यूबिक एक्सपेंशन, यानी कि क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसको कैसे पता चला क्यूबिक? क्योंकि इसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 3। ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक की, बाई क्वाड्रेटिक की। और आप समझदार हैं कि ये आगे क्या होगा। ये होगा पावर 4। देखो 2x4, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो गया बच्चा आपके सामने टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, जिसमें पहला है लीनियर। लीनियर में वेरिएबल का पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक, उसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है। क्यूबिक, जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होता है। और बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे 4 में सबसे बड़ा यानी कि 4 होता है, उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। ओके, चलिए, अब इसमें क्या चीज़ें हैं? दो बातें जाननी है, एक होता है पावर और एक होता है कोफिशियंट। ये चीज़ जानना जरूरी है। तो इस इन टर्म्स में एक्स का जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है बाबू, दिमाग में रखना, एक्स का जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है, उसी से डिसाइड होता है कि वो जो पॉलीनोमियल है वो कौन सा पॉलीनोमियल है। जैसे लीनियर पॉलीनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है कि क्यूबिक पॉलीनोमियल है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये डिसाइड करने के लिए हमें उस एक्सप्रेशंस में एक्स के सबसे मैक्सिमम पावर को देखना होता है। जिसमें एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर होता है, उसी हिसाब से यानी उसी को बेस मानते हुए हम क्या करते हैं बाबू, हम उसी को बेस मानते हुए डिसाइड करते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमारे सामने है वो कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। ये सब इसी तरीके से क्या होता है बच्चा, डिसाइड होता है। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो लीनियर में क्या केस है? लीनियर में है आपका 2x का पावर 1 है प्लस 1 है, ये वाला क्लियर हो गया। इसको हमें आपने बचपन में देखा होगा, क्लास 6, 7, 8 में आपने इसको जाना होगा लीनियर को। क्वाड्रेटिक आपका क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है बच्चा, क्लास 8, 9, 10th और 10th तक आता है, और हम लोग 10th की ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्यूबिक 10th से स्टार्ट होता है और आगे तक बढ़ते जाता है। और बाई क्वाड्रेटिक हमको लगता है कि बाबू आपको ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशंस में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने पे आपको बाई क्वाड्रेटिक के दर्शन ज़रूर होंगे। ओके, चलिए, तो अभी हमको बच्चा चर्चा क्या करना है, दो चीज़ जाननी है, एक है कोफिशियंट, एक है पावर। तो सबसे पहली बात, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स का जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, एक्स के जो सर पे बाबू, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मैंने ये गोला बनाया है, इस जगह पे जो एक्स का जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, उसी का नाम होता है क्या बच्चा, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, पावर कहते हैं। यानी एक्स के सर पे जो सबसे अधिक नंबर होगा उसी का नाम क्या है, पावर है। उसके बाद कोफिशियंट क्या होता है? तो जिस एक्स के ऊपर सबसे अधिक पावर है उसके साथ लगा हुआ नंबर। अब गौर करिए, इसमें एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर क्या बच्चा, 1, और इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, एक नंबर लगा हुआ है 2, इसी को बोलते हैं बच्चा हम लोग क्या, कोफिशियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशियंट। वैसे ही एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2, और इसके संग लगा हुआ क्या बोलेंगे, कोफिशियंट। इसमें एक्स का पावर 3 और इसको क्या बोलेंगे, कोफिशियंट। इसमें x का पावर 4 में
टू, इसको भी क्या बोलेंगे बाबू, कोफिशियंट। तो जिसमें x का सबसे अधिक पावर होता है उसके साथ जो भी नंबर अटैच्ड होता है उसी नंबर को बाबू हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट। ओके, क्या बोलते हैं, कोफिशियंट बोलते हैं। क्लियर। चलिए तो बाबू ऐसे करके हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के बारे में ये चीज़ें जानी, और अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसको कैसे हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहली बात बच्चे, लीनियर में हमेशा हम एक्स की वैल्यू एक ठो निकालते हैं, ओनली एक एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कितनी निकालते हैं एक्स की वैल्यू, केवल एक एक्स निकलता है इसमें लीनियर में। क्यों, क्योंकि एक्स का पावर क्या है, वन है। इसमें दो एक्स की वैल्यू निकलती है बच्चा, एक्स वन और एक्स टू, दो एक्स निकलता है। क्यों, क्योंकि इसमें दो एक्स का पावर है। वैसे ही इसमें तीन एक्स का पावर है तो इसमें तीन वैल्यू निकलती है, और अगर इसमें चार एक्स का पावर है तो इसमें चार वैल्यू निकलेगी। और बच्चा इन्हीं वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग पॉलीनोमियल की भाषा में जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, जीरोस बोलते हैं, जीरोस। इन जीरोस का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपने इससे पहले क्लासेस में फैक्टर का नाम सुना होगा कि जब भी कोई किसी का मल्टीपल को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, तो ये जो जीरोस होते हैं वो इन इक्वेशंस के, इन पॉलीनोमियल्स के फैक्टर होते हैं। और अगर उन वैल्यूज़ को अगर आप एक्सप्रेशन में रखो, उन वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो रिप्रेजेंट कर देती है। इसीलिए बच्चा इसका नाम पड़ा है जीरोस। क्या नाम पड़ा है, जीरोस। तो इसको हम लोग फैक्टर भी कह सकते हैं दूसरे नामों में। क्या कह सकते हैं बच्चा, फैक्टर कह सकते हैं। और जब आप क्वाड्रेटिक वाला पार्ट देखोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो उसके अंदर इसका एक और नाम आ जाता है जिसका नाम है बच्चा रूट्स। क्या नाम आ जाता है, रूट्स नाम आ जाता है, ठीक है। रूट्स मतलब जड़े नहीं, जड़े वाले रूट्स नहीं है। इस रूट्स का मतलब ये फैक्टर होता है, और जीरोस का मतलब ये फैक्टर होता है, और फैक्टर का मतलब फैक्टर तो होता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने फैक्टर के कई सारे नाम जान लिए, अलग अलग जगह उनका अलग अलग क्या बच्चा, उपयोग है। पॉलीनोमियल के अंदर आपको हर जगह जीरोस मिलेगा, क्वाड्रेटिक के अंदर हर जगह रूट्स मिलेगा, और जब ऐसे नॉर्मली जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। पर तीनों का मतलब क्या है, तीनों की वैल्यूज़ क्या है, तीनों का तरीका क्या है, सेम ही है। अब उसी को हम लोग बच्चा यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्लास टेंथ के हिसाब से केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोस को ही हमको फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक में जीरोस कैसे निकालेंगे और क्यूबिक के जीरोस कैसे निकालेंगे। ओके बच्चा, चलो। तो क्वाड्रेटिक में मैंने बोला था कि टोटल एक्स की दो वैल्यू निकलती है, यानी टोटल दो ही जीरो निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे, दो ही जीरोस। दो जीरोस का मतलब दो ठो वैल्यू होगी। जब दोनों वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे ना, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगा जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। वैसे ही क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में टोटल तीन जीरोस होते हैं। तीन जीरोस का मतलब, क्योंकि तीन वैल्यू निकलती है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। और जब इन तीनों को जब हम उसके अंदर प्लेस करते हैं इक्वेशंस के अंदर, तो इक्वेशन क्या दे देता है बाबू, जीरो देता है। ओके, तो ऐसे करके हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले पार्ट को जानना है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जीरो दो पॉलीनोमियल के बारे में कुछ स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है बाबू। चलो, तो इसे हम हटा देते हैं, और ये सब चीज़ें बच्चे आप थोड़ा इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैथ्स का नोट तो लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन मैथ्स के नोट बनाने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मौके पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स को खोल के ये चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो हैं, जिसके जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको जो ही आप खोलेंगे बाबू, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। आप नोट्स के तौर पे जो मैं नोट किया है बेटा यहाँ पे इन चारों तरफ, आप वो उसको बना सकते हो, और जो मैं बोर्ड पे बनाते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। वो सब अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग अब बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल की, देख लेते हैं क्या है। जीरोस की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, किसकी बात करें, जीरोस की बात करें, तो लीनियर में एक जीरो निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा,
क्वाड्रेटिक में 2 निकलता है अल्फा बीटा, क्यूबिक में 3 निकलता है अल्फा बीटा और गामा, और बाइक्वाड्रेटिक में 4 निकलता है अल्फा बीटा गामा और गामा और क्या हो जाता है बच्चा डेल्टा, यानी 4 हो गए, जिसमें से हमको बस ये दोनों को जानने हैं बाबू, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा, जिसकी अल्फा बीटा में क्वाड्रेटिक है और अल्फा बीटा गामा में आपका क्यूबिक है, इन्हीं को जानते हैं हम जो पॉलीनोमियल में। उसके बाद हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, खुद ही क्लियर हो जाएगा हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे जो जीरो पॉलीनोमियल का तरीका है वो है कि जब हम कोई भी रूट्स को जीरोस को रखेंगे वैल्यूज, उसकी वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप रूट्स की या जीरोस की वैल्यू आप रखते हो, फैक्टर की वैल्यू रखते हो, रूट्स की वैल्यू रखते हो, यानी यहाँ पे हम जीरोज ही कहेंगे, जीरोज की वैल्यू रखोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा आपका, तुरंत वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो दे देगा। अगर वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो दे देता है, इसका मतलब कि आपने जो जीरोज निकाले हैं, आपने जो जीरोज फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और अगर उसमें पुट करने पर जीरोज नहीं आते हैं, इसका मतलब वो जो है वो उस इक्वेशंस के लिए जीरोस बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ये कंडीशन बस यहाँ पे हमको देखना है बच्चा, ठीक है। चलिए तो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे एक इक्वेशन है x square माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे px इज इक्वल टू, और यहाँ पे बच्चा हमारे पास है एक अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1, माइनस वन, ठीक है बच्चा। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स हैं, हमने दो रूट्स ले रखे हैं, दोनों अलग अलग रूट्स हैं, इनको हम इसके अंदर प्लेस करेंगे और प्लेस करके देखेंगे कि आखिर इसके संग क्या घटनाएं घटती हैं। आप भी देख सकते हो, आराम से ध्यान से देखिएगा बच्चा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 3 × 6 और फिर -3, ये होगा बाबू 9 - 9 इक्वल टू 0, यानी हमको 0 मिल गया। यानी जब हमने इसमें 3 रखा तो हमको 0 मिल गया। इसका सीन ये है बच्चा कि जो ये एक्सप्रेशन है उसका रूट्स कौन है, 3, यानी 3 इज़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर बाबू, 3 इज़ द जीरोज फॉर दिस इक्वेशन। 3 क्या है, इस इक्वेशन का 0 है, एक जीरोस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 2 जीरोस होंगे। देखो कैसे, क्योंकि इसका पावर कितना है बाबू, 2 है, और पावर 2 में से कितने जीरोस निकलेंगे, 2 ही जीरोस निकलेंगे। एक जीरोस तो पता चल गया, ठीक है, दूसरा जीरोस भी आपके सामने है, बीटा इक्वल टू -1, इसको भी रख के चलते हैं। अगर इस केस में 0 आ गया, इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि यही दोनों हैं जो इस क्या हैं, जीरोस हैं। चेक कर लेते हैं, p-1 इज इक्वल टू 1 - +2 - 3 रखेंगे तो वो हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। आ गया बच्चा, आ गया बिल्कुल, ठीक है। यानी 3 और -1 ये बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं सब, कि जो ये एक्सप्रेशन है ये इनके ही क्या हैं, जीरोज हैं। क्या हो गया बाबू, ये हो गए इनके जीरोस, एकदम गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फा की 3 और बीटा की 1 है, ये गारंटेड जीरो हैं। किसके, इस इक्वेशंस के जीरो हैं, ठीक है, एकदम क्लियरली, बिना कोई हस्तक्षेप के, एकदम फुल टू मस्ती के साथ, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि हम लोग जो कर रहे होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, और बसते थोड़ी सी अगर ऑडियो का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आपको मैं प्रयास करूंगा बच्चा कि बहुत जल्द इसको और भी इवेल्युएट करूं, इवोल्यूशन करूं, ताकि जल्दी जल्दी ये चीज़ सुधरे, ताकि आवाज़ और बेहतर और क्लियर आए। और मुझे उम्मीद है बाबू कि यहाँ पे आवाज़ इको नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। वैसे हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे आवाज़ इको कर रही है, ठीक है। चलिए तो ऐसे करके हमने जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में कुछ हमने जाना, और अब मेन जिसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं बाबू, वो है आपका क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस का। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कैसे हम पता करेंगे कि वो जीरोस है कि नहीं है। तो हम जीरोस की, गिवन जीरोस की वैल्यूज को पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, और अगर वो वहाँ पर अंडा मिल गया, यानी कि 0 मिल गया, इसका मतलब हम क्लियर हो गए कि हाँ यही क्या है, इसका जीरोस है, यही क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं हम लोग,
और अब बात करेंगे बच्चा रिलेशन बिटवीन ये वाला, ठीक है। और सोच रहा हूँ मैं बाबू इसको मिटा दूँ यहाँ तक, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिलेगा हम लोगों को, तो करने में भी मज़ा देगा और आपको अच्छे से और भी जगह के साथ में समझा दूँगा। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके डेफिनेशंस भी दिमाग में रखना बच्चा, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्लासेस में डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस भी आते हैं कभी कभी, टीचर लोग पूछ लेते हैं चेक करने के लिए कि स्टूडेंट का ध्यान क्लास में है कि नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल बिना कोई निश्चिंत के सब सारे डेफिनेशंस को दिमाग में रखेंगे, और डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारना बाबू, ठीक है, उसको समझ लेंगे ना तो बस समझाना होता है सामने वाले को, रट्टा मार के नहीं कि फला ना, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आपको समझाना है, सिंपली, ज़्यादा बिना कुछ किए हुए। जैसे जैसे आप किसी ने पूछा व्हाट इज अलजेब्रा, तो कहेंगे सर अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, बस सिंपल बोल देंगे, काम फिट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर वो उनके अंदर सर के अंदर ईगो रहे या दिक्कत हो जाए तो तुरंत वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बताओ वेरिएबल क्या होता है, बताओ कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो ऐसे ही चलता रहता है बाबू, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपको वेरिएबल कौन, इसीलिए मैंने कहा कि इसका डेफिनेशन दिमाग में क्या करेंगे, एकदम सेट करके रखेंगे, ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं है, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो तो अब जो बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है बाबू, क्या है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बच्चा हम लोग इसको करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए एक्सप्रेशन मेंटेन है, हम सबसे पहले उसको एक्सप्रेशन को नोट करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आपका एक और एक्सप्रेशन बनता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। एक एग्जांपल भी होना आवश्यक है इससे पहले जो, हाँ एग्जांपल भी है, ठीक है एग्जांपल भी है, एग्जांपल रहेगा बाबू समझाने में सही रहेगा, आप उन चीज़ों को बहुत ही गौर से देखना, ठीक है, और इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। यही चीज़ बेटा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म लिखा है इसको मैं बड़ा कर दिया है ताकि अगर वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही हो नोट करने में तो आपको दिक्कत ना हो, मैं इसे हटा देता हूँ, अब जगह मिलेगा हम लोग को, स्पेस मिलेगा। चलिए अब इस पर बातें करते हैं, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक यानी कि जिसमें पावर टू हो, एंड टू पावर वाले जिसमें जिसका जनरल इक्वेशन आपके सामने मेंशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन हो, ठीक है। और बोलता क्या रिलेशन क्या बनाता है कि जीरोज और कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जीरोज और उनके पॉलीनोमियल, जीरो मैंने बताया था बच्चा क्या कि क्वाड्रेटिक केस में जीरो दो होते हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा है, तो सबसे पहला केस आता है कि जब सबसे पहला रिलेशन आता है वो कि जब हम दोनों जीरोस का सम करते हैं उनका सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो माइनस बी क्या है बच्चा, तो आप देख सकते हो इक्वेशन में ये ए ये बी ये सी, यानी माइनस बी अपॉन ए करते हैं जनरली, यही हमारा रिलेशन बनता है, ठीक है। यानी द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में देखें द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट हमने लिखा है माइनस बी, यानी एक्स कोफिशियंट बी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नोट कर लिया है। तो ऐसे एक रिलेशन बच्चा बनता है, जनरली आप इसको दिमाग में रख सकते हो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए,
यानी ये एक्सप्रेशन बनता है पहला, पहला ये आपका रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन है कि उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे यानी अल्फा इंटू बीटा करोगे जीरोस का, जीरोस का जब प्रोडक्ट करोगे आप तो वो हो जाता है सी अपॉन ए। क्या हो जाता है? सी अपॉन ए। और टोटल पूरा कॉम्बिनेशन आपका इसी के ऊपर प्रोसेस्ड होगा एकदम बिना कोई टेंशन के, अप्लीकेबल किया जाए। चले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बाबू हम लोग वन, और लगाते हैं हम लोग क्या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि ये बी है इसके संग लगा दो आप माइनस बी अपॉन ए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? माइनस सेवन आ गई। आगे कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने जब अल्फा बीटा किया तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। सी बाई ए माने कि कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट कितना है? 12, और ए कितना है? 1, यानी अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू 12 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7 हमारे सामने आ गई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे पता चलेगा कि हमने जो सम निकाला है जीरोस का वो सही निकाला है। तो सर तरीका क्या है बच्चा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म से। किसे करेंगे? मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे, यानी कि बचपन में जो क्लास 8-9 में आप करते जा रहे थे उसके टर्म से फैक्टराइज करेंगे। और बाबू अगर मिडिल टर्म के बारे में अगर आइडिया नहीं हो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो है, रिलीज कर दिया है हमने, आप उसके ऊपर जाके मिडिल टर्म एक्सपेंशन सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं मिडिल टर्म एक्सपेंशन करूँगा यहाँ पर जल्दी जल्दी, ताकि आपको दिखा दूँ कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। चलिए तो इसका मिडिल टर्म करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12, 2 × 12 2 × 6 = 3, 1 और यहाँ पे हो गया 4x प्लस 3x प्लस 12। ये हो जाएगा बच्चा आपका x, x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और ये आ गया आपका x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। x की वैल्यू जो आपने निकाली थी ये होगी माइनस 4 और एक x निकाली थी आपकी आगी माइनस 3। ठीक है बच्चा, ये आ गई आपके सामने x। ये हमने इसको बाबू फैक्टराइज कर दिया, किस तरीके से? मिडिल टर्म के एक्सपेंशन से फैक्टराइज किया है इसको आपके सामने, आप इसमें देते हैं। ये है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, इसके बारे में डिटेल जानना है बच्चे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो हमारी देखिए फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसे ही सेम इसमें भी हम लोग वही करेंगे, पॉलीनोमियल्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लेंगे? केवल थ्योरीज और एग्जांपल्स को कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो विभिन्न विभिन्न तरह के न्यूमेरिकल्स आपके सामने फेस करते होंगे, आपको दिक्कत होती होगी, हम उन क्वेश्चन उन न्यूमेरिकल को यहाँ पर कवर किया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, 4x प्लस 3x प्लस 12 आपके सामने है। यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो आगे एक x की वैल्यू माइनस 4 आई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 3, यानी कि अगर लेट कर लो तो अल्फा की वैल्यू वो कितनी है? माइनस 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 है। ऐसे दो टे जीरोज हमने क्या कर लिए? लेट कर लिए। अब हमको इस पर प्रयोग करना है, तो अगर हमने इस पर इसके ऊपर रखा इसकी वैल्यूज़ को और एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर आ गई, इसका मतलब हमने जो किया है यानी हमने जो जीरोज निकाला है रिलेशंस का वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही निकाला है। और अगर वो सही होगा तो इसकी वैल्यू एल एच एस के यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर होगी, और अगर नहीं होगा सही तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 3, जोड़ दो माइनस 4 माइनस 3 कितना बाबू? माइनस 7, और देखो इधर भी कितना गया? माइनस 7, यानी कि एल एच एस की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आर एच एस के बराबर। इसका मतलब कि जो रिलेशन है हमारा बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो बिल्कुल सही है बच्चा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये तरीका है बच्चा कि अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक रिलेशन दिया हुआ है जीरोस का, अल्फा बीटा का रिलेशन दिया है, तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं किस मतलब किसकी मदद से? मिडिल टर्म के एक्सपेंशन की मदद से, फैक्टराइजेशन से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े बच्चा हम लोग तो ये हो गया कंडीशन, और आगे बढ़ने का सीन क्या है कि अब हम इसको अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 कितना होगा?
प्लस 12 हो जाएगा और ये भी आ गया बाबू, यानी सेकेंड वाला केस भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि हमारे दोनों जो कंडीशन हमने जनरेट किया था अभी रिलेशन, वो दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल वेरीफाइड हैं, बिल्कुल सही हैं। और आप बब्बू इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब ऐसे करके रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं बार बार मैं यही कहता हूँ, मैं हूँ ना, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ लेकिन हूँ, ठीक है, शाहरुख खान नहीं, आपके लिए बिल्कुल उपयोगी, आपको हमेशा हेल्प करने वाला, ठीक है। बताए तो अच्छे इसको अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये था बच्चा क्वाड्रेटिक। ओहो, एक चीज़ बता दी बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से। ये चीज़ मैंने बता दिया था, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे था आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बाबू ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी उपयोग है। ये चीज़ मैंने देखो दिमाग से उतर गई, वो एक साइड पड़ी हुई थी, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपने अल्फ़ा और बीटा करके लाया ना, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लाए थे अभी, आपने नोट किया होगा माइनस सेवन, और अल्फ़ा इंटू बीटा लाए थे आप 12। तो आप इनकी मदद से जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अंदर रखोगे और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर रखोगे, तो फिर से आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वापस से आपको मिल जाएगा। इस ये था हमारा एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। बाय द वे, बाय द चांस, अभी तो ये सिंपल है कि आपको क्वेश्चन दे देता है फिर आपको करने वेरीफाई करने बोलता है। अगर क्वेश्चन के दौरान अगर आपको अल्फ़ा और बीटा में ही क्वेश्चन दिया और आपसे पूछे कि वापस से आप एक्सप्रेशन निकालो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालो, पॉलीनोमियल निकालो, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे, कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, यानी माइनस में बात पूछा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेवन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 12। और आप गौर कर सकते हो बाबू कि जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमको वहाँ पे प्राप्त हो गया है। इसका मतलब कि ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल में, क्यूबिक पॉलीनोमियल चलते हैं बाबू। क्यूबिक पॉलीनोमियल, अब क्यूबिक पॉलीनोमियल में आपके नीचे मेंशन है बच्चे, ठीक है, अब यहां पे इसका पावर हो जाएगा ना, ये इसको बैठा देता हूं मैं, यहां पे हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इसका नाम क्यूबिक पॉलीनोमियल पड़ा है। इसमें अब 3 होता है तो टोटल 3 थे जीरोज निकलेंगे इसके, कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा रिलेशन निकालना होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये हो जाता है आपका एक और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो बाबू टोटल यहाँ पे 3 आपके रिलेशंस बनाए हैं हमने, 3 रिलेशंस यहाँ बना दिए हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, किन की मदद से, उनके जीरोस की मदद से हमने एक 3 रिलेशन बना दिए हैं और रिलेशन बना दिया है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका भी आएगा। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा आपका एक्स क्यूब, यहाँ बना देता बाबू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है बच्चा। तो मैंने ना क्या कर रहा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे फॉर्म में लिखा है उसी को मैंने थोड़ा सा जूमिंग कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली वो चीज़ वॉच हो सके। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल हमने यहाँ से भी ले रखा है, उस एग्जांपल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बाबू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और बिल्कुल मैचिंग है बच्चा। अब इसको हटा देते हैं, जगह बनेगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए
तो अब हमारे सामने क्यूबिक पॉलीनोमियल्स में रिलेशन जो है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन निकालना है हमको, वो हमने यहाँ पे तीनों जगह मेंशन कर दिया है। किसके लिए? क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए तो आपको बता दिया, अब बात करें क्यूबिक के लिए, तो क्यूबिक देख लेते हैं हम लोग। क्यूबिक में भी बेटा सेम वैसे ही तरीका है, ठीक है। अगर वेरीफाई, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया, अगर आपको वेरीफाई करना है, तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे प्रयोग करो, फिर आप क्या कहते हैं उसको मिडिल टर्म एक्सपेंशन से उसको वेरीफाई क्या कहते हैं वैल्यू निकाल दो, और फिर देखो LHS इक्वल टू RHS हमेशा क्या करेगा, मैच करेगा। तो ये काम तो बहुत नॉर्मल है, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है बच्चा, कि अगर केवल आपके सामने ये जीरोज मेंशन हो क्वेश्चन में, केवल जीरोज मेंशन रहेंगे, ठीक है। अधिकतर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें केवल जीरोज मेंशन हो, और आपको क्या करना रहेगा, यहां क्या करना रहेगा, प्लेस करना रहेगा। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बोलता है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। माइनस बी का मतलब हो जाएगा बच्चा 5/3। उसके बाद अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी कितना बेटा? -11/3। वैसे ही अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -dy, तो d क्या है? -3, तो ये हो जाएगा 3/3, और कट के हो गया बच्चे 1। यानी ये कंडीशन हमारे सामने आ गया आपके, बिल्कुल। तो टोटल ये तीन रिलेशंस हैं, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये तीनों रिलेशंस हैं। यही तीनों रिलेशंस में है हमने जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बनाया है इसकी मदद से, और ये बिल्कुल ही वेरीफाइड रिलेशन है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं मिडिल टर्म एक्सपेंशन करके, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू जब उठा के बाबू इसके अंदर रखेंगे, ये जो वैल्यू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आया है, तो वापस से हमको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स इज क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 5/3 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा -11/3 एक्स, और ये हो जाएगा -1। तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ गया, और आप कहेंगे सर ये तो एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो इससे नहीं मैच कर रहा है। तो हमारे सामने हम इसको क्लियरली थोड़ा सा और इसको जूम इन कर देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, और हमें पता है बाबू कि पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x³ - 5x² - 11x, और ये हो जाएगा -3 = 0, और ये हो जाएगा काम ख़त्म। और आप देख सकते हो बच्चे कि बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमारा LHS RHS साइड में आ गया है। और ऐसे करके हम कोफिशियंट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल की भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी क्वेश्चन है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो वीडियोस और लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो उसको शॉर्ट्स में करते हुए, मतलब थोड़ा सा वीडियोस को, अभी तो ये खुद ही लंबा है, लॉन्ग वीडियोस है, लेकिन इसमें भी और लंबा हो जाता है, ठीक है। तो फिर बच्चे क्या होता है बाबू कि फिर उसके बाद थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर बोरिंग हो जाती है, ठीक है। तो बोरिंग ना करते हुए सॉरी बोरिंग ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेपरेट सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको समझाया, आप इसको समझो, दो चार क्वेश्चन लगाओ आसान आसान वाले, कुछ एग्जांपल्स लगाओ, प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब ये वाले न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आएगा, उसमें एकदम गर्दा गर्दा न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जो अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं, CBSEs के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, वो वाले गर्दे न्यूमेरिकल्स बेटा हम उसके अंदर मेंशन करके रखेंगे। आपको एकदम फुलटूस मज़ा दिया जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम गर्दा हो जाएगा, ठीक है। चलो बाबू, तो ऐसे करके हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल भी हो जाता है यहाँ पे समाप्त। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक कंडीशन जो आता है बच्चा, वो है जिसके बाद मैं कहा था डिवीजन एल्गोरिथम की, नोट कर लेना बाबू इसको भी, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत सही है ये। नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कहेंगे सर नोट्स कहाँ से बनाएं। तो एक यूक्लिड का फॉर्मूला था बट्टा, अगर याद हो तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक फॉर्मूला था यूक्लिड का, डिवीजन लेमा था। और इसके इस पे भी हम लोग का एक कंप्लीट वीडियोस लाऊंगा मैं बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूला में होता है डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट
इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे करते हैं, ये हो गया डिविडेंड डिवाइजर क्वोशेंट और रिमाइंडर, इसी तरीके से लॉन्ग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इनको ऐसे इस फॉर्म में हम लोग इवेल्युएट भी कर देते हैं, दोनों टाइप से हम कर देते हैं। ये यूक्लिड का तरीका था, बहुत ही कारगर तरीका था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस को और आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके की मदद से हम लोग डिविजन एल्गोरिथम मदद से हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि लीनियर पॉलीनोमियल यानी कि पॉलीनोमियल केस में इस तरह के क्वेश्चन यानी कि रूट्स वाले जो अंडर रूट्स वाले जो डिविजन मेथड में है, मैं अभी बोला कि लॉन्ग डिविजन मेथड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका भी बहुत अच्छा खासा दबदबा है बेटा। ठीक है, और उस दबदबे को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करके एकदम मार पीट देना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने से हंस के ना जा पाए। ठीक है बेटा, हंसने नहीं देना है, किसी भी क्वेश्चन को हंसने नहीं देना अपने सामने, हाँ एकदम नहीं। चलो, तो हमारे सामने सवाल है 3 - x + 2x² और बाई है आपका 2 - x, उसको सॉल्व करना है बाबू, कर लो। कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लॉन्ग डिविजन मेथड लगा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2x² रीअरेंजमेंट करने के बाद -x + 3। बेटा रीअरेंजमेंट बहुत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम करते हैं आपका ये हो जाएगा आपका -2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा -, ये हो जाएगा आपका बेटा 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका 2x², ठीक है। अब यहाँ पे तरीका क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं हम लोग, आप लोग को जहाँ तक हमें हम उम्मीद है कि जानकारी होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जो इसका सिंबल होता है बेटा उसका ठीक अपोजिट सिंबल लगाते हैं, तो इसका सिंबल अभी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर लगेगा माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो यहाँ पर लगेगा बेटा प्लस में, जिसकी वजह से ये प्लस में ये माइनस में हो जाता है। और बेटा जो सिंबल नीचे लेते हैं ना, ये जो मैंने चेंज किया है वो सिंबल हम इसको देते हैं, ये हम मानते हैं कि ये वाला सिंबल क्या है, इसका है, ऐसा मानते हैं, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें आसान। तो हमने यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंटेशन चेंज किया और ये बाबू हो जाता है कट जाता है, यानी कि +2 - 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब ये +4 हो गया, ये -x हो गया, तो यहाँ पे बेटा बेटा आपका हो जाता है यहाँ पे 3x, यानी ये हो जाता है 3x और ये हो जाता है आपका 3, फिर से कंडीशन आ गया। अब वहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, इस ये जाएगा अभी जाएगा, उसका मन करके ये भी करेगा, तो यहाँ पे जाता है बेटा -3, तो ये हो जाता है -3 से हो जाता है बेटा -6 और ये हो जाता है +3x, और फिर यहाँ पे सिंबल चेंज, बेटा सिंबल चेंज हमेशा करना आवश्यक है, ठीक है, डिवीजन केस में बहुत जरूरी है सिंबल चेंज करना, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया कट गया और ये हो गया बेटा 6, 3, 9, यानी हमारे सामने तीनों चीज़ें आ गई, ये है आपका क्या, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वोशेंट और ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका रिमाइंडर। अब चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो जब हमने इस फॉर्म में नोट किया बेटा, तो 2x² - x + 3 = क्वोशेंट कितना था बेटा, क्वोशेंट था आपका -2x - 3 और इनटू डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था 2 - x और प्लस रिमाइंडर कितना था 9। अब अगर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे बेटा ना, इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमको LHS वाला पार्ट मिल जाएगा, और अगर LHS वाला पार्ट मिल गया इसका मतलब जो हमने किया है बिल्कुल सही किया है, और अगर नहीं मिला तो जो भी किया है सही करेंगे हम लोग, क्यों गलत करेंगे, हाँ LHS = LHS नहीं मिला तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करता है। तो अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा कि जैसे कि आपको फॉलो करेंगे तो आएगा LHS = LHS, नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं आएगा, तो जनरली ये फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत रेयर केस होते हैं कि फॉलो नहीं करते हैं। चलिए सॉल्व करें इसको, ये हो जाता है आपका -4x और ये हो जाता है -6 और ये हो जाता है +2x² और यहाँ पर जाता है बेटा आपका +3x और +9। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2x² और ये 3x और ये x हो जाएगा आपका -x और ये हो जाएगा +3। देखो बेटा आ गया, क्या आ गया, सिंपल, यानी कि ये LHS = RHS है,
LHS इक्वल टू RHS है, इस वजह से ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। यही रिप्रेजेंटेशन हमें कराना होता है, ठीक है, बस इतना ही रिप्रेजेंटेशन करा देना होता है कि हमको इस तरीके से सॉल्व करना है और फिर यूक्लिड के मेथड से इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कर दिया तो आपका सवाल खत्म, आपको क्लियर हो गया कि आपने जो किया बिल्कुल क्या किया है, सही किया है। सिंपल। चलिए बेटा आगे बढ़े हम लोग, तो ये इस पे और भी सारे सवाल आएंगे बेटा, मैंने सोचा कि एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो अगर इस एग्जांपल्स में तो इसको इस पार्ट को फिर दोबारा आप देखेंगे, ठीक है, जरूर आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में एकदम बने रहेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो इसके बाद आ जाता बेटा हम लोग ग्राफ, ठीक है, इसको हो गया क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्राफ की बात करेंगे, कर लेते हैं बात, हमने कौन रोक रहा है बेटा ग्राफ की बात करने से, हम तो किसी भी चीज़ से बात कर सकते हैं हम लोग, कर ही सकते हैं। चलिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो ग्राफ बेटा यहाँ पे दो तरह के ग्राफ बनते हैं, आप ग्राफ देख लो, ग्राफ को दिमाग में नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। इस तरह के सवाल बेटा क्या कहते हैं जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई हो गया, एनडीए हो गया, ठीक बेटा, एनडीए में ऐसे सवाल आते हैं, जेई में ऐसे सवाल आते हैं, उसके बाद आपके एयरफोर्स, नेवी, और उसके बाद जो वन डे प्रिपरेशन जिसमें मैथ्स आते हैं क्लास टेंथ लेवल के, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, आपको इस पर फोकस करना बेटा ग्राफिकल पे, ठीक है। ग्राफ वाले केस में अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारे सामने है, उसके बाद जीरो इसको हटा दो, यहाँ से लेते हैं वाई, बात वही है जीरो ही है, ठीक है। तो अब जब ये जो होते हैं बेटा, ये जो सबसे जो मैक्सिमम यानी कि जो एक्स स्क्वायर से संगा जो कोफिशियंट है, यही जो कोफिशियंट है बेटा वही डिसाइड करा देता है कि जो इक्वेशन जो आपका जो मतलब कि ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। और एक बात दिमाग में रखो बेटा, ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, क्या बनता है ये, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है कहेंगे, ये तो बिल्कुल नया है, हम तो सुने ही नहीं है, तो बात सही है बिल्कुल बेटा कि आप लोग सुने नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अब क्लास में है ही नहीं सुनने के लिए, तो कैसे सुनेंगे, ये क्लास 11th के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, नाम है कॉनिक सेक्शन, उसके अंदर आता है पैराबोला, लेकिन आपको उतना डिटेल नहीं जाना है, बस कुछ छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि दिखता कैसा है और इसका नाम होता है पैराबोला, बस इतने दिमाग में रखो। देखो बेटा इसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला का सिंबल है, ऐसे सिंबल नहीं है, ये पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब पैराबोला ग्राफ एक्स एक्सिस पे बना है, आपको दिख रहा है, तो ये कोई भी एक्सिस बन सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है कि कहाँ बनेगा, किसी भी एक्सिस बन सकता है, आप चाहो तो इसको इस तरह बना सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह बना सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह बना सकते हो, ठीक बेटा, जैसे मन करे वैसे आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, पर हर जगह वो कहलाएगा आपका पैराबोला ही कहलाता है, ठीक है बाबू, इसको पैराबोला ही कहते हैं जनरली। तो अभी हमारे सामने अगर ए की वैल्यू यानी जो कोफिशियंट है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो उस समय कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बस इन दोनों ग्राफ को दिमाग में सेट कर लो और आप यहीं से देख के बता दोगे कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है बाबू, ठीक है, तो उसका ग्राफ अपर पैराबोला बनता है, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या बनता है, वो पैराबोला बनता है ऊपर का मुँह की तरफ, ठीक है, और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो आती है नेगेटिव है तो उसका पैराबोला बाबू नीचे बनता है, ठीक है। और यही सबसे मेन चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखनी है, और अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अंत में इस ग्राफ को बना दिया, तो आपको एग्जामिनर फ्री फोकट का नंबर फ्री फंड में देगा बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे समझ में आएगा कि आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ाई को क्या किया है, कवर किया है। तो ये ग्राफ आपके लिए नंबर्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में तो पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका ग्राफ जो कि इसके ऊपर मेंशन था, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन ए इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, अल्टीमेटली कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बाबू, वन, वन एक्स स्क्वायर होगा। अब वन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, साफ साफ दिख रहा है बेटा, वन की वैल्यू जीरो से क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा अप ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा बाबू, अप ग्राफ बनेगा। ये है सिंपल तरीका किसी भी इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए, बहुत ईजी बेटा,
कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे और ऐसे करके बेटा हमारा जो ग्राफिकल पार्ट होता है वो होता है ख़त्म, ठीक है। और जो पॉलीनोमियल्स की जो थ्योरी एग्जांपल्स थे बेटा वो भी हो गए समाप्त। तो बेटा हमारा ये पार्ट हो गया समाप्त। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आपके साथ मिलेंगे तो वो होगा पॉलीनोमियल्स के न्यूमेरिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, जो कि अक्सर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलते बेटा, जय हिंद।